देख लीजिए हमारे सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट सत्यपाल सिंह की एक पड़ताल। हाँ दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं सत्यपाल। एक ऐसी सच्चाई प्रोडक्ट को लेकर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि आप इनके जवाब इस लीडरशिप से जरूर पूछिएगा। हम आपका एक प्रोडक्ट लेते हैं, ये मेरे साथ में एक प्रोडक्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये है राइस ब्रान ऑयल। ये तेल बहुत अच्छा है, खाने के लिए बहुत उत्तम है, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करने वाला। मैं चर्चा ये करने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट वेस्टीज बेचती है और ये जो मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है ये 2 लीटर का है और इसकी जो कीमत है अगर आप इसमें पीछे देखेंगे तो ये MRP 460 रुपये का है। सही बात है, ये मैंने वेस्टीज के ही शॉप से ख़रीदा है। सही बात है ना, ये 2 लीटर 460 यानी 1 लीटर 230। दूसरी बात, एक और प्रोडक्ट मैं उठा रहा हूँ, सेम राइस ब्रान ऑयल है और जो मैं पहले दिखा रहा था ये भी राइस ब्रान ऑयल था। अब फर्क क्या है कि इसकी जो कीमत है 2 लीटर है, इसकी जो कीमत है वह है 388 रुपये 2 लीटर है। ऐसा क्यों है, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक और राइस ब्रान लेते हैं एक और कंपनी का, ये 1 लीटर है, राइस ब्रान ऑयल ही है, दूसरी कंपनी का है और इसकी कीमत है 165 रुपये MRP 1 लीटर 165 रुपये, तो 2 लीटर हो गई 330 रुपये। सही बात है, ये एक और कंपनी में लेता हूँ, राइस ब्रान ऑयल है, ये ले लेते हैं और इसका रेट है 145 रुपये 1 लीटर है, तो 2 लीटर की कीमत क्या हुई 290 रुपये। सर देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, प्रोडक्ट एक ही है राइस ब्रान ऑयल, 1 लीटर की कीमत MRP 145 रुपये है और वेस्टीज के 2 लीटर की कीमत 460 रुपये यानी 1 लीटर की 230 रुपये है। सहमत है मेरी बात से आप, सर होना पड़ेगा क्योंकि सस्ता यही है, क्योंकि मैंने दुकान पे जाके डायरेक्ट खरीदा है और इसके ऊपर प्रिंट किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो ये प्रोडक्ट तो एक ही है बट इसकी क्वालिटी अलग अलग होगी और जब क्वालिटी अलग अलग होती है तो फिर रेट बदल जाता है। सही बात है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन सर आप सोचिए कि क्वालिटी भी सेम है। इस सारे प्रोडक्ट्स की, चारों प्रोडक्ट की जो मैंने आपको दिखाई हैं इनकी क्वालिटी सेम है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोलता है इसके ऊपर जो न्यूट्रिशन फैक्ट का पेपर चिपका है ये बोलता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपके ऑयल में न्यूट्रिशन फैक्ट क्या हैं, कितने हैं, ये सेम हैं, ये इसके ऊपर भी सेम हैं और ये इसके ऊपर भी सेम हैं और सर लाइसेंस भी है इनके पास, जो लाइसेंस इनके पास है वही लाइसेंस इनके पास भी है, सेम है। अब आप बताइए रेट में अंतर क्यों है। और एक बड़ी बात बता दूं आपको, आप बोलेंगे कि ये किसी अच्छे प्लांट में बना था और ये किसी दूसरे बेकार प्लांट में बना था। नहीं सर, एक और सच्चाई जान लीजिए कि ये भी उसी फैक्ट्री ने बनाया, AP ऑर्गेनिक इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और पैकिंग करती है
और इस प्रोडक्ट को भी एपी ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरिंग करती है और एपी ऑर्गेनिक ही इसकी पैकिंग करती है। सभी एक ही प्लांट में बनते हैं दोनों, चारों प्रोडक्ट एक ही प्लांट में बनाए गए हैं। चारों प्रोडक्ट के ऊपर न्यूट्रिशन फैक्ट सेम है, लेकिन मार्केटिंग कंपनियां अलग अलग होने की वजह से इनके रेट अलग अलग हैं। और आपको एक बात और बता दूं साहब, ये छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये 2-4 रुपए का डिफरेंस नहीं है साहब, ये 63% का डिफरेंस है। इस 1 लीटर की कीमत से ये 1 लीटर का प्रोडक्ट 63% महंगा है, ये सच्चाई है। आप खरीद लीजिएगा। अब मैं नाम क्लियर कर रहा हूं, ये RCM का प्रोडक्ट है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं साहब, ये भी अपनी कीमत में से 60% या 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी दावा भरते हैं कि इनके लोग जब ये प्रोडक्ट को बेचते हैं तो कारें खरीदते हैं, इनका भी वही दावा है। और मोदी केयर का है दूसरा प्रोडक्ट, ये भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैंने ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट को नहीं उठाया है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 60-70% डिस्ट्रीब्यूट करने का दावा करते हैं साहब, सच्चाई है। इनका भी प्लान देख लीजिए एक बार। मैं किसी भी कंपनी की वकालत नहीं करता, मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चाई को उजागर करता हूं सबूतों के साथ, आप जवाब जरूर दीजिएगा। और ये जो तीसरा प्रोडक्ट है मेरे पास, ये ओके लाइफ केयर का है, और ओके लाइफ केयर भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और ये वेस्टीज का प्रोडक्ट है जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है 63%। अब मुझे आप एक बात बताइए कि आप और क्या एक्स्ट्रा देते हैं इसलिए आप ज्यादा पैसा लेते हैं। आपने मार्केट रेट से सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम मैन्युफैक्चरिंग का 63% ज्यादा MRP क्यों रखा है?